बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये चाइनीज़ चिकन बारबेक्यू किया है, बहुत ही टेस्टी चिकन बना है। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलें शुरू करते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो चिकन है, जिसका ये देखें मैंने इस तरह से हड्डी से अलहदा कर लिया है। इसके ग्रिल कटिंग कर ली है मैंने। इस तरह कटिंग करने से बारबेक्यू बहुत ही अच्छा बनता है। हड्डी के साथ जो ब्लड होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले मैं मसाला तैयार कर लूँगी, जिसमें मैंने ग्रीन प्याज ले लिया है। इसके अलावा चंद जवे लहसुन के, अदरक, धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें, इन सब चीज़ों को मैं चॉप कर लेती हूँ। इन सबको मैंने बहुत बारीक चॉप करना है। इसमें ये जो मैंने ग्रीन मसाला तैयार किया है, ये मैंने खड़ा खड़ा नहीं रखना, बारीक चॉप करना है इसे मैंने। आप ये चिकन ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत डिफरेंट इसका जायका बना है। ये देखें, ये मैंने ग्रीन मसाला जो बनाया है इसे मैंने कितना बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा इसमें जो चीज़ें शामिल होंगी उनमें मैंने ये 4 टेबलस्पून लेमन जूस ले लिया है। ये मेरे पास फ्रेश वाला लेमन जूस है, ये मैं शामिल करूँगी। इसके अलावा 4 टेबलस्पून ही इसमें मैं सिरका वो डाल देती हूँ, 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 3 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 4 टेबलस्पून सोया सॉस, 4 टेबलस्पून रेड स्वीट चिली सॉस, 2 टेबलस्पून क्रश चिली मिर्ची, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लीजिएगा, 1 टेबलस्पून चाट मसाला। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून पपरिका पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लीजिएगा, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। इनको मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसके अलावा 1 टीस्पून हॉट चिली सॉस ये मैं डाल दूँगी। ये बहुत ही तेज़ वाली चिली सॉस है, इसलिए बस इतनी से ही काफ़ी होती है। इस मसाले को मिक्स करने के बाद ये जो चिकन मैंने काट के रखा है ये मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, ताकि हर एक पीस पे अच्छा सा मसाला वो लग जाए। मसाला लगाने के बाद मैं इसे रख दूंगी, या ग्रिल करने से आप 3 से 4 घंटे पहले भी लगा सकते हैं। आप एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल चूंकि बारबेक्यू का सीज़न है, बहुत ही अच्छा मौसम है और आगे ईद भी आ रही है, और आपके साथ मैं इस तरह की रेसिपीज शेयर करूंगी जो कि ईद पे बारबेक्यू करने के लिए बहुत ही आपको पसंद आएंगी। अब हम इसे ग्रिल करते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।